इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोक कला मंडल मधुबन उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। खाप पंचायतों ने डांगी समाज के दो परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का सुनाया फरमान। एक परिवार एसपी की शरण में पहुंचा, दूसरी जगह पुलिस को देखते ही भागे तुगलकी पंच। मेवाड़ के नाम का अपमान नहीं सहेगा खासो आम, क्षत्रिय महासभा ने तरेरी आंखें। रोडवेज में मचा हड़कंप, मानी गलती। बीएन के रजिस्ट्रार शेखावत ने सहकर्मी राठौड़ के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई शिकायत। धक्का मुक्की के साथ मारपीट का लगाया आरोप। और शनिवार से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत के साथ ही होगी घट स्थापना, मंदिरों में होगी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। जोगड़िया दर्शन चैनल से मिलेगा लाइव धर्मला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान की। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के महाराज की खेड़ी में डांगी समाज के एक परिवार को मृत्यु भोज नहीं देने पर उसे समाज से बाहर कर दिया गया। शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचे मृतक के पुत्र रोड़ीलाल का कहना है कि उनके पिता उदा डांगी की 3 जून को मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका मृत्यु भोज नहीं रखा गया तो समाज के मौतबीर पंच डालचंद और लोगे डांगी द्वारा समाज के लोगों के मध्य परिजनों को बेइज्जत कर समाज से बाहर निकाल दिया और समाज के कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं देने का आदेश दे दिया गया, जिसके चलते समाज के लोग इन्हें किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं, उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया है। इस पर मृतक के परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए पूरे मामले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाना डबोक को आदेश देने की मांग की है। 3-6 महीने के मृत एक्सपायर हो गया, तो मंडल के साहब को लोग ये मतलब मट्टी बोझ बंद हो गया हुआ, मट्टी बोझ बंद हो गया साहब, तो मट्टी बोझ कर ही नहीं रहा है साहब, बैठा साहब मैंने गाँव रहा साहब के कुछ एक नेताजी हमारे लोकर जी के नाम में पटेल भी है बड़ा मार का पग में क्यों तुम गांव की चाय पानी क्यों नहीं कर रहे हो तो साहब गाँव में बोलो फेरिया और सब बंद है तो मैं चाय पानी कैसे कराऊँ बड़ी कितनी तो करना पड़ेगा और माँ दबाव लगे थोड़ा मार मारे मैं मना करती हूँ मना करती साहब थोड़ा कुछ देर वहाँ गाँव उन मल नेताजी मैं थाना मैंने कहीं नहीं आप करनी पड़ेगा ये तो भी साहब मना करती मैं तो बड़ा बाद में भी पूरा जो गाँव में कहीं कहें बड़े आते वो तो बंद कर रही थी समाज बुलाई मतलब कहीं कुछ राउंड जाने और अकेला मिले मतलब उनको मोर माफ करी थी और मैंने उनका पानी नक्त सब बंद है कटी भी जाओ नहीं तो कोई माँ पानी पिला नहीं कोई आया क्या कोई बात करें न बोले कोई तो मतलब तिपत भी लगाए मतलब कोई बोलेगा तो भी मतलब यूँ भंडा ही बेता दूसरों भी दूसरों आदमी कोई बोलेगा मोड़े वो भी भंडा के साथ काबिल ही रहेगा ये सब बंद कर दो साहब। अड़ी बात में आप लोगों ने बात की थी 2-3 बार कई बार दो बार की साहब यार मोड़े कई गलती है साहब बंद मैं नहीं कर रहा हूँ तो अभी वो मौत नहीं क्या दूसरों दूसरों के गन्नों पड़ी थोड़ी रह गई। आपके पिताजी की मृत्यु से पहले किसी की मृत्यु हुई हुई और उन्होंने कोई मृत्यु भोज किया है आपसे पहले किसी ने किया अभी तक नहीं किया तो आप ही के पीछे ये ऐसा जिद क्यों कर रहे हैं? सब उनके मेरे क्या है आपसे लड़ाई तो नहीं ना आपकी कोई नहीं लड़ाई क्या पद है वो क्या है पंचायत में अभी उप सरपंच भी है सर आज आप क्या करना है आज सब हम सर के पास आए कोई नहीं सुन रहा था हम क्या करें सर आप गांव में जो निमंत्रण देवे वो कौन देवा आवे गांव का भला ही होता वो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा उससे पूछा आपने क्यों नहीं आ रहा पूछा तो क्यों नहीं आ रहे तो गांव से बंद कराए हुए लोग देवरे बंद करवा दिए। उदयपुर के सवीना थाना इलाके के केवड़ा की नाल में गुरुवार को एक पैंथर के हमले का शिकार हुई ग्रामीण महिला का शुक्रवार को पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान सवीना थानाधिकारी संजीव स्वामी सहित जापता और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हेड कांस्टेबल वसना राम ने बताया कि गुरुवार को केवड़ा की नाल में कुछ ग्रामीण महिला झाड़ू बनाने के काम में आने वाली घास लेने गई थी। इस दौरान वहां पहले से दुबक कर बैठे पैंथर ने एक महिला पर हमला कर दिया, जबकि दूसरी महिलाएं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। सहेलियों के भागने के बाद पैंथर के चुंगल में फंसी महिला ने कुछ देर तो संघर्ष किया, लेकिन बाद में उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वह जिंदगी की जंग हार गई। सूचना मिलने पर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो वहां इस महिला की मौत हो गई। घटना के बाद रोड पर जाम भी लग गया था और आक्रोशित लोगों ने क्षेत्र में पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग भी की। कल शाम के समय सूचना मिली थी कि पैंथर ने एक महिला पर हमला किया है। मौके पर पहुंचे थे वहाँ केवड़ा के नाल में, वहाँ अन्य डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट के भी आए थे और पहाड़ी पे जाके देखा तो एक पैंथर के हमले से
महिला की मौत हो रखी थी जिसका नाम भवरी है, और उसके बॉडी को फिर यहाँ मोर्चरी में शिफ्ट कराया, बाद पोस्टमार्टम के लास्ट उसको सुपुर्द कर दी थी। अंतिम जंगल में गए थे या क्षेत्र में आया था? नहीं, ये जंगल में गए थे, जंगल में गए थे और वो झाड़ू बनाने के लिए जो घास होती है उसको एकत्रित करने 5-6 महिला गई थी एक साथ, ये पीछे रह गई थी और वो घर पहुंची तो फिर उसके पति को यूँ हुआ कि वो साथ गई थी आई नहीं, फिर उनके साथ जानकारी करके उस पहाड़ी पे पहुंचे तो वहाँ बॉडी मिली थी। हाँ, वन विभाग की तरफ से जानकारी में आया था कि वहाँ लगा दिया है। मेवाड़ के नाम को पैरों तले रौंदने की खबर जब उदयपुर न्यूज पर प्रमुखता से दिखाई गई तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ आगे आया और कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग के समय। वही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के उदयपुर डिपो में भी हड़कंप मच गया। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर से जोरदार असर हुआ है। महासभा के प्रतिनिधि शुक्रवार को उदयपुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय से मुलाकात की। इस मौके पर प्रबंधक उपाध्याय ने बताया कि उदयपुर न्यूज की खबर को देखने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चित्तौड़ आगार के प्रबंधक से संपर्क किया गया और उन्होंने न्यूज के बारे में बताते हुए पाबंदी किया गया कि वह सभी गाड़ियों की जांच करें कि किसी और बस में भी मेवाड़ के नाम की चादर तो नहीं लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर अनजाने में हो गया हो तो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने को पाबंद किया जाए। इस अवसर पर महासभा के पदाधिकारी ने बताया कि उदयपुर न्यूज की खबर को देखने के बाद आगार के प्रबंधक से मुलाकात की गई और उन्हें तुरंत मेवाड़ के नाम के साथ हो रहे अपमान के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने उदयपुर न्यूज की सराहना भी की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह कृष्णावत, मार्गदर्शक नरेंद्र सिंह शेखावत, अजित सिंह खींची, रणवीर सिंह जोलावास मौजूद रहे। कल आपके उदयपुर न्यूज पे जो न्यूज चली थी रिगार्डिंग ये बस के अंदर जो गैलरी में एक पत्ता लगा था जिसके ऊपर मेवाड़ लिखा हुआ था और लोग बाग उस पर पैर दे के आ रहे जा रहे थे, तो उसी संबंध में हमारे नरेंद्र सिंह जी शेखावत के थ्रू हमको पता लगा और हमने आपका वीडियो भी देखा, तो हमने तुरंत मुख्य प्रबंधक जो हैं राजस्थान रोडवेज के उपाध्याय जी उनसे बात की और अभी हम उनसे मिलने भी आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। हाथों हाथ उन्होंने जयपुर भी बात की है और उस पूरी जो कार्रवाई है उस बोर्ड को हटाने की और उसके हटा के दूसरा वो गैलरी में बोर्ड लगा के उसको पेंट करके और मेवाड़ की आन बान शान को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है। कल उदयपुर न्यूज़ पे जो न्यूज़ चली थी तो मनु राव जी साहब से मेरी बात हुई थी, उसी संदर्भ में आज हम उपाध्याय साहब से मिले। अभी उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, जिसने गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होंगी, उसका पूरा आश्वासन और पूरा रेस्पॉन्स दिया है उपाध्याय जी ने। देखिए, वो चित्तौड़ आगार की गाड़ी थी, रलावता साहब का मेरे पास रात में 11 बजे करीबन फ़ोन आया था और मैंने क्लिपिंग मंगा के हाथों हाथ ही उसी वक्त मुख्य प्रबंधक चित्तौड़ और प्रबंधक संचालन चित्तौड़ आगार को पाबंद कर दिया था कि ऐसी गाड़ी को सभी की जाँच की जाए। मेवाड़ हमारा स्वाभिमान का प्रश्न है, एक संवेदनशील इशू है, इसका हमेशा ध्यान रखा जाए, इस चीज़ की जांच की जाए कि ये जानबूझकर किया गया तो संबंधित के विभाग विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और गलती हुई तो भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करें। नहीं, मेरे ऐसा जानकारी में नहीं है, जैसा मैंने अभी भी चित्तौड़ बात करी थी, आप पधारे रलावता साहब मेरे पास, तब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा किसी गाड़ी में नहीं है, पर अब हम जो भी कर रहे हैं पूरी जाँच करके कर रहे हैं। और वैसे भी क्या, इस जगह जिस जगह ये चादर लगाया गया ये चादर फिट भी नहीं है, क्योंकि ये बॉडी का चद्दर है और वहाँ पेड़ लगता है तो वहाँ बॉडी के वहाँ लगाना भी नहीं चाहिए ये चद्दर। मेरी ये मान्यता, तकनीकी इशू हमारे टेक्निकल आदमी ज़्यादा जानते हैं, पर मेरी मान्यता है कि चद्दर जो है वो टेक्निकल बेसिकली वो सपोर्ट पूरा नहीं करता। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके के BN कॉलेज के रजिस्ट्रार के साथ कर्मचारी द्वारा मारपीट करने का एक मामला सामने आया। इस मामले में रजिस्ट्रार डॉक्टर रघुवीर सिंह शेखावत ने शुक्रवार को भोपालपुरा थाने में कर्मचारी शोध सहायक भूपेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि गुरुवार को कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रताप शोध प्रतिष्ठा डायरेक्टर मोहब्बत सिंह राठौड़ से पूछा कि भूपेंद्र सिंह कार्यस्थल पर है क्या, तो उन्होंने बताया कि वह अभी मौजूद नहीं है, कहीं गए हुए हैं। इस बात को लेकर शुक्रवार को राठौड़ ने मेरे साथ धक्का मुक्की के साथ घसीटा और मारपीट भी की। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैं वहां से निकला। इस मामले में शेखावत ने भोपालपुरा थाने में रिपोर्ट देने के साथ ही यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और चेयरमैन को भी शिकायत की है। आज मेरे साथ हमारे ही एक कर्मचारी भूपेंद्र सिंह राठौड़, शोध सहायक प्रताप शोध प्रतिष्ठान है,
उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। और मैं रोज़ की तरह से ही आज भी करीब 11:15 बजे कैंपस में, हमारे कैंपस में स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए गया हुआ था। वहाँ वो पहले से ही उपस्थित था और उसने मैंने मेरे को दर्शन करने के लिए गया पहुँचा तो उसने कल की कोई घटना थी, कल मैंने उसको अपने कार्यालय में उपस्थित न होने के बारे में उसका जो इमीडिएट अधिकारी हैं प्रताप शोध प्रतिष्ठान के डायरेक्टर मोहम्मद सिंह जी राठौड़ से पूछा कि क्या भूपेंद्र सिंह अपने ऑफिस में है, क्या अपने कार्यस्थल पर है क्या, तो उन्होंने बताया कि वो कार्यस्थल पर नहीं है और कहीं गया हुआ है। तो इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए और इस संदर्भ में ही जब मैंने इसकी वो की तो आज इसको लेके कि तू मेरे बारे में क्यों कार्रवाई करता है, क्यों पूछता है, क्या तेरे को तू क्या समझता है अपने आप को, और मेरा को हाथ पकड़ के घसीटने लगा और मेरे साथ मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, चश्मा मेरा गिरा दिया। और इसने कहा तू तो ज्यों त्यों करके मैं वहाँ से उससे अपना हाथ वाथ छुड़ा छुड़ू के और भाग के अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ जाके और पीछे से वो गालियाँ देता रहा और पीछे दौड़ के आने की कोशिश करी उसने और यही कहता रहा कि तेरे को तो देख लूँगा मैं, तू ऐसे बच के नहीं जाएगा तू, और तू मेरे खिलाफ़ किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ था 2014 में जब कई सारे सिलेक्शन हुए थे, 2014 में विद्या प्रचारिणी सभा के द्वारा सिलेक्शन किए गए थे, उसमें से कई ऐसे लोग सेलेक्ट हो गए हैं जो अपने पद के अनुरूप उनकी न कार्य करने की क्षमता है और इनको जब कार्य करने के लिए कहा जाता है तो वो इधर इधर भागते फिरते हैं और इस तरह से धमकाने की कार्रवाई करते हैं, ताकि इनकी यही एक प्रवृत्ति रही हुई है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने पद पर कार्य करो, कार्य करने के, लेकिन इन्हें कार्य करने की, हाँ जी आपका आज रिपोर्ट रही क्या? हाँ, आज मैंने अभी FIR दर्ज कराई है और जो मेरे साथ कार्रवाई हुई है उसके लिए मैंने यहाँ FIR दर्ज करवाई है और यही मैटर मैंने हमारे विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट महोदय को रिपोर्ट की है और हमारे विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन को रिपोर्ट की है। तो उन्होंने मुझे इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए। एक और जहां सरकार रूढ़िवादिता और गलत परंपराओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है, वहीं आज भी खाप पंचायतें इन रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ावा देने की कवायद करती प्रतीत हो रही हैं। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने खाप पंचायतों की पोल खोलकर रख दी है। डांगी समाज के एक व्यक्ति को बाल विवाह और मृत्यु भोज का विरोध करना इतना भारी पड़ा कि समाज के पंचों ने उसके परिवार का हुक्का पानी तक बंद कर दिया। दरअसल सतखंडा निवासी शिवलाल डांगी लंबे समय से समाज में मृत्यु भोज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध कर रहा था। आए दिन समाज की बैठकों में उसके विरोध करने से क्रोधित खाप पंचायत के पंचों ने गत 30 जुलाई को बैठक आयोजित कर उसके परिवार का हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया। वहीं गुरुवार को जिले के ही मायरा गांव में फिर पंचायत बैठने की सूचना उसने पुलिस को दी तो पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। टीम को देखते ही खाप पंचायत आयोजित करने वाले पंच पटेल मौके से फरार होने की जुगत में लग गए, जिसे जो साधन मिला उसी में बैठकर वह मौके से भागने लगे। बाद में पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में थाने में परिवाद दर्ज है जिसका अनुसंधान जारी है। इधर शिवलाल द्वारा दिए गए परिवाद में 21 लोगों को नामजद किया गया है जिनमें से कई लोग गुरुवार को भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस को देखकर मौके से भाग छूटे। पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया है कि आज भी खाप पंचायतों के मनमानी जारी है और गलत परंपराओं को शह देने का काम बदस्तूर किया जा रहा है। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके सामाजिक बहिष्कार का लिखित सबूत परंपरागत रूप से लिखी जाने वाली भाट की पोथी में दर्ज किया गया है। ये जो हमारे मीटिंग हुई 30/7/2020 को मैरा महादेव गया, फिर वहाँ पे मृत्यु भोज और बाल विवाह के लिए उन पंचों ने कहा कि हमारे रूढ़िवादी परंपरा है, इसको जारी रखना है और जो इस पर कोई सवाल उठाएगा या कोई शिकायत करेगा उसके 1,10,000 रुपये जुर्माना होगा और हमारी रूढ़िवादी परंपरा चालू रहेगी। इसके अलावा भी मैंने कई बार आग्रह किया, पहले भी मैंने छात्रावास में इस मुद्दे को उठाया और इन पंचों ने नज़रअंदाज कर दिया। कौन से समाज का मामला? ये डांगी समाज में। तो उसके बाद क्या आपका जातिगत बहिष्कार कर दिया? जातिगत बहिष्कार कर दिया मेरे को, 30 लोगों को जातिगत बहिष्कार कर दिया मेरे को, मैंने इस मुद्दे को उठाया। इसकी आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, पुलिस में 3 तारीख को मैंने पुलिस में भी शिकायत की
और IG DAG को भी मैंने पत्र लिखा और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। उदयपुर डूंगरपुर इलाके में रीट आंदोलन में BJP के निशाने पर आए IPS और RAS अधिकारियों के समर्थन में अब युवा नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को NSUI के छात्रों ने जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करने वाले भाजपा नेता मदन दिलावर पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मदन दिलावर ने RAS अधिकारी महावीर खराड़ी और IPS अधिकारी कालूराम रावत का नाम उपद्रवियों को फंडिंग करने में लिया था। हालांकि उसके बाद कालूराम रावत का नाम गलती से लेना स्वीकार किया, लेकिन महावीर खराड़ी पर गंभीर आरोप लगे थे। अब युवाओं का कहना है कि इन अधिकारियों ने आंदोलन को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसे में इन पर आरोप लगाना गलत है। श्री दिलावर ने दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में जो आरोप इन अधिकारियों पर लगाए हैं, सरकार को एक्शन मोड पर आते हुए ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार अभी कुछ समय पहले काकरी डुगरी आंदोलन हुआ, जो उपद्रव मचाया गया, उस दौरान जो शांत करने के लिए जिन प्रशासन ने दो आदिवासी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, कालूराम रावत साहब जो SP हैं और महावीर जी खराड़ी जो सीनियर RAS हैं, उनके खिलाफ जो उन्होंने जिस तरह काकरी डुगरी को मामला शांत कराया, उन्होंने मृतक के घर जाकर उनको आश्वासन दिया, उनको सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया, जहाँ तक कि उनका मोताना भी दिया गया, उसके बाद ये मामला पूरा शांत हुआ। लेकिन जिस प्रकार बाहर के भाजपा नेता आकर इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जो इस संभाग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो इस प्रकार की टिप्पणियाँ कर रहे हैं हमारे सीनियर अधिकारियों के खिलाफ, उनको नक्सलवाद से जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गलत है। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उसके मदन दिलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उदयपुर डूंगरपुर में हुए उपद्रव के मामले में पिछले 5 दिनों से किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर में डेरा डाले हुए हैं। आदिवासी परिवारों से मुलाकात करने के बाद शुक्रवार को किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर के संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले से मुलाकात की और अपनी मांगों से अवगत कराया। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लोगों के साथ मारपीट की है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में उन सब पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को मुआवजा दिलाया जाए। यही नहीं, श्री मीणा ने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई सरकार करे। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों को कोरोना संक्रमण के दौर में एक ही बैरक में भर कर रखा गया है, जिससे आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत खेरवाड़ा पुलिस थाने के स्टाफ पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही प्रशासन उनकी मांगों पर अमल नहीं लाता है तो मेवाड़ की धरती पर शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा। 14 जनवरी 2018 को जोधपुर के सामराव गांव में भयंकर हिंसा और उपद्रव हुआ था, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था। उस सारे नुकसान की भरपाई जो करीबन 5 करोड़ रुपए थी, वसुंधरा सरकार ने पूरी की थी। इसलिए मैंने संभागीय आयुक्त साहब से कहा है कि जितना भी नुकसान खेरवाड़ा या अन्य जगह हुआ है उभय पक्ष का, उनकी भरपाई की जाए। एक बहुत दिनों से दो युवाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनको पुलिस 25/9/2020 को 11 बजे पकड़कर मारती है और इतनी बेरहमी से मारती है कि बसंत पुत्र रूपचंद डामोर का पूरा हाथ टूट जाता है, सारी उंगलियां टूट जाती हैं, और दूसरा कारीलाल पुत्र बालाजी डामोर का दोनों पैर टूट जाते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं, और एक महिला जसोदा पति जी का डामोर बीच बचाव करती है तो पुलिस उसका भी डंडे मार के हाथ तोड़ देती है। तो मैंने यहाँ को संभागीय आयुक्त को कहा है कि यह बर्बरता पुलिस की चलेगी नहीं, अपराधी है, पकड़ने का तरीका ये किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है और उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और सेक्शन 3 में चूँकि ये ग्रीवियस हर्ट है, इनको आर्थिक सहायता दी जाए। निरपराध लोगों को पकड़ना बंद करें, और जो पुलिस ने भय बना रखा है, पुलिस का आतंक खत्म किया जाए। और ये जो अपना खैरवाड़ा थाने में मैं गया था, वहाँ पर एक ही बैरक में 6x6 की में 16 युवकों को बंद कर रखा था, जो रात को सो भी नहीं सकते थे पैर पसार के,
सारे कपड़े उतरवा रखे थे, न उनके पास मास्क था न सोशल डिस्टेंसिंग थी, इसलिए ICMR की गाइड लाइन का उल्लंघन थानेदार ने किया है, इसलिए उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा दर्ज हो। बाकी की बातें जो है मुख्यमंत्री से करने की है, जो मैं मुख्यमंत्री जी से करूँगा। और ब्रिटेन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर वन एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है, देर ना करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हेलो, आई एम जीएस सिसोदिया। देव एविएशन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी इन द राजस्थान। वी आर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड एयरपोर्ट विजिट्स फॉर मॉक इंटरव्यूज, बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA MEd गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242067। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट द बैचलर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिग्री इन एविएशन एंड टूरिज्म विद 100% जॉब प्लेसमेंट इन द लीडिंग एयरलाइंस ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल। एडमिशन ओपन, फर्स्ट फ्लोर पैराडाइज कॉम्प्लेक्स अपोजिट अग्रवाल धर्मशाला, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल इट 7023144442, 8107392702, वेबसाइट www.ahaudaipur.com। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग,
मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना, आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर जीबीएच हॉस्पिटल, प्रताप नगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए, पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ, उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरण मंगरी मेन रोड, उदयपुर। स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए शुक्रवार को भिलवाड़ा की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधान सेवक और यूपी के मुखिया के नाम पोस्टकार्ड लिखे। ये पोस्टकार्ड महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा हिरण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हेड पोस्ट ऑफिस से जमा करवाए, जिसमें उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरण ने कहा कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देशन पर हमने पोस्टकार्ड अभियान के तहत प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और मुख्य सेवक योगी आदित्यनाथ को हाथरस की घटना के संदर्भ में पोस्टकार्ड लिखे हैं, जिसमें पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। हाथरस के जो पीड़िता, उसके न्याय की मांग की है। एक्चुअली क्या है कि आज हमारे देश में हर एक मिनट में 16 बलात्कार के केस आए दिन होते हैं, लेकिन हम इस आंकड़े पे नहीं जाएंगे। आज हम एक औरत के, बेटी के शरीर के साथ उसके वजूद को और उसकी आत्मा को छनीन किया जाता है, और जब वो पीड़िता न्याय की मांग करती है और न्याय की उम्मीद करती है तो उसको न्याय नहीं मिलता है। सच तो ये है कि यूपी की जो प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, वहाँ के ये वरिष्ठ मंत्री है, शीर्ष मंत्री है, कार्यकर्ता और प्रवक्ता है, फिर भी उसके मतलब उसके चरित्रहरण पे बदनामी का दाग लगाते हैं और उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने एक
एक कदम उठाया, बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक पोस्ट कार्ड के थ्रू न्याय की मांग की है, बेटी को मतलब बदनामी से बचाने के लिए एक मांग की है। तो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से राजस्थान के हर कोने कोने से आज ये पोस्ट कार्ड यूपी सरकार के आदित्यनाथ योगी के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के पास हम न्याय की मांग के लिए भेजे हैं कि जो सरकार सो रही है उसको उठाने के लिए ये पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं कि वो कुंभकर्ण की नींद से जगे और बेटियों को आज न्याय मिले। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में काया नेशनल हाईवे पर तेज गति से आ रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और दूसरी तरफ वाली सड़क पर घसीटता हुआ पलटी खा गया। हादसे में कंटेनर का डीजल टैंक फूट गया, इस वजह से करीब 100 मीटर तक डीजल सड़क पर बिखर गया। सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी और क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया गया। करीब 2 घंटे तक हाईवे पर भारी जाम लग गया, जिस पर ट्रैफिक डायवर्ट कराते हुए एक ही रोड से शुरू करवाया गया। विश्वव्यापी कोरोना वायरस की महामारी कोविड-19 के संक्रमण फैलाव को रोकने हेतु केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइंस व जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आगामी नवरात्रा में भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ जोगणिया माता के दर्शन व अन्य विविध धार्मिक कार्यक्रमों की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिससे सभी भक्तजन घर बैठे ही मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप पर जोगणिया दर्शन चैनल के माध्यम से यूट्यूब व फेसबुक पर दर्शन कर सकते हैं। जोगणिया माता शक्तिपीठ संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि जोगणिया माता में विविध धार्मिक अनुष्ठान प्रतिवर्ष के अनुसार ही होंगे, परंतु जोगणिया माता के दर्शन मंदिर में जाकर करना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए माता के दर्शन पूजन व विविध कार्यक्रमों की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। भक्तजन घर बैठे ही इसका धर्म लाभ ले सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि नवरात्रा स्थापना के अवसर पर 17 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:15 पर जोगणिया माता में घट स्थापना व ध्वजारोहण होगा, जिसमें मुख्य अतिथि भानपुरा शंकराचार्य पीठ के स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ, बानोड़ा बालाजी के पंडित कैलाश चंद्र शर्मा, महंत केशव दास व जोगणिया माता शक्तिपीठ संस्थान के अध्यक्ष भंवरलाल जोशी, उपाध्यक्ष सूरजमल मीणा, सदस्यगण तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। प्रतिदिन दोपहर 1 से 2 बजे तक आसिंद के महंत केशव दास जी रामायण आधारित प्रवचन देंगे। वहीं भानपुरा शंकराचार्य पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ द्वारा देवी भागवत कथा का वाचन प्रतिदिन सुबह 10 से 12 और शाम 4 से 6 बजे होगा। जो भी भक्तजन दर्शन आरती देवी भागवत तथा कथा आदि का धर्म लाभ लेना चाहते हैं, वो घर बैठे ही जोगणिया दर्शन चैनल के द्वारा यूट्यूब व फेसबुक पर लाइव दर्शन पूजन कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार के पूर्व उप मुख्य सेवक व टोंक से विधायक सचिन पायलट शुक्रवार को सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर गंगापुर कस्बे में नगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय हिरण की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पायलट सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर रायपुर कस्बे में उनके निवास पर आयोजित शोक सभा में शामिल होने पहुंचे और वहां दिवंगत विधायक त्रिवेदी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पायलट ने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया और राजसमंद जिले के लिए रवाना हो गए। पायलट के दौरे के दौरान सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी की चर्चा का विषय बना रही। प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार में चिकित्सा सेवक रहे राजेंद्र राठौर द्वारा चिकित्सकों के प्रति दिए गए बयान के विरोध में शुक्रवार को भीलवाड़ा में IMA के बैनर तले चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को कोई तकलीफ न हो इसके लिए अपनी सेवाएं भी जारी रखी। IMA के पदाधिकारियों ने एक निजी हॉस्पिटल के बाहर राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए माफी मांगने की मांग की। IMA भीलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में हमने अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की है। देश के प्रधान सेवक और प्रदेश के मुखिया ने हमारी पीठ थपथपाई है, इसके बाद भी हमें पूर्व चिकित्सा सेवक राजेंद्र राठौड़ हत्यारा बता रहे हैं। ऐसे बयानों से चिकित्सकों का मनोबल कम होता है, इसके कारण हम मांग करते हैं राजेंद्र राठौड़ अपने बयान वापस लेकर सभी चिकित्सकों से माफी मांगे। जब कोरोना काल में जब सभी डॉक्टर कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सभी डॉक्टरों की पीठ थपथपा रहे हैं, इसी संक्रमण काल में जो पूर्व में चिकित्सा जगत के मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि सफेद पोश में सभी चिकित्सा कर्मी हत्यारे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और
हम इसकी भर्त्सना करते हैं एवं मांग करते हैं कि वो अपना बयान वापस लें और इस बयान पर खेद प्रकट करें। आजकल जो परंपरा चली है मोताना की, उसको तुरंत बंद करें जिससे कि डॉक्टर भयमुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। डॉक्टरों का गला इतना मत घोटो कि वो उल्टी करने लग जाए, और जब वो उल्टी करने लग जाएगा तो तांडव हो जाएगा और उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज हम सब ने काली पट्टी बांधकर एक विरोध प्रदर्शन किया है, यह तो केवल टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। या तो वो अपना बयान वापस ले ले, नहीं तो राजस्थान आईएमए के निर्देशानुसार आगे भी आंदोलन किया जाएगा। संभाग के डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी पिछले 6 माह का वेतन नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी बराबर दे रहे हैं, ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करके अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए कोरोना महामारी में भी कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन बावजूद इसके भी वेतन नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात 1-2 महीने की हो तो चल भी जाए, पूरे के पूरे 6 महीने कैसे निकाले हैं यह हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हमारी मेहनत का पैसा ही कम से कम समय पर मिल जाए, इसलिए सभी ने कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द बकाया वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। हम रोज पैदल पैदल आते थे, पैदल जाते थे, टेम्पो नहीं चलते थे तो भी हम पैदल आ रहे थे और सब काम हॉस्पिटल में कर रहे हैं। 5,000 सैलरी मिलती है, वो भी हमको टाइम से नहीं दे रहा है। 5 महीने समस्या ये है कि 5 महीने हो गए या 6ठा महीना चल रहा है, अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली। हमारे कुछ एक साथी बंधु है जो उदयपुर जिले से भी आते हैं, जैसे कल्याणपुर है, खेरवाड़ा है, बिच्छूवाड़ा से भी आते हैं दूर दूर। वो बेचारे मतलब ऐसी कंडीशन में आते हैं कि आप पूछो मत, बहुत कंडीशन खराब हो गई है। कुछ परिवार वाले हैं जो तो उनके बच्चे भी वो कुछ खाने पीने के लिए बांधे हो गए, ऐसी स्थिति में आ रहे हैं। और समस्या इतनी हो रही है कि पूछो मत। वो पेट्रोल के पैसे जो बाइक लेके आते हैं वो पेट्रोल के पैसे नहीं मिल रहे, और गाड़ी में आते हैं उनको किराया नहीं मिल रहा। इधर इधर मांग से कर रहे हैं, मांग मांग के उधारी इतनी चढ़ गई है कि पूछो मत। आप मेडिकल कॉलेज के हमारे लगभग 115 कंप्यूटर कर्मी, लैब टेक्नीशियन, फोर क्लास वार्ड बॉय, सभी तरह के जो अल्प वेतन भोगी हैं, जो मेडिकल कॉलेज और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के अंदर कार्यरत हैं, इनको विगत 6 महीनों से इनकी जो मानदेय है, वैसे ये अल्प वेतन भोगी हैं, लेकिन इनका मानदेय 6 महीने से प्रयासरत करने पे आज तक नहीं मिला है। ये पूरा दल और ये कर्मचारी कलेक्टर्स महोदय से भी मिले हैं, पूर्व में माननीय प्रिंसिपल साहब से मिले हैं, पीओ साहब से मिले हैं, विधायक महोदय से भी मिले हैं, लेकिन मेडिकल प्रशासन का रुख है जो इनके प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण हो वो नहीं है, और जो कार्यकारी एजेंसी है उसके और मेडिकल कॉलेज के बीच जो कुछ पैसों को लेकर, कटौती को लेकर इनका विवाद है और उनकी जांच अधीन है, लेकिन उसको देखते हुए इन कर्मचारियों का वेतन नहीं देना कोरोना काल में संवेदनहीनता दिखती है और असंवेदनशील दिखते हैं। मेडिकल प्रशासन से और जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि शीघ्र से ही इनका जो वेतन है 6 माह का वो तुरंत प्रभाव से दिया जाए। और एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। खाप पंचायतों ने डांगी समाज के 2 परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का सुनाया फरमान। एक परिवार एसपी की शरण में पहुंचा, दूसरी जगह पुलिस को देखते ही भागे तुगलकी पंच। मेवाड़ के नाम का अपमान नहीं सहेगा खासो आम, क्षत्रिय महासभा ने तरेरी आंखें, रोडवेज में मचा हड़कंप, मानी गलती। बीएन के रजिस्ट्रार शेखावत ने सहकर्मी राठौड़ के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई शिकायत, धक्का मुक्की के साथ मारपीट का लगाया आरोप। और शनिवार से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत के साथ ही होगी घट स्थापना, मंदिरों में होगी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, जोगड़िया दर्शन चैनल से मिलेगा लाइव धर्मला। रायपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए रायपुर न्यूज। नमस्कार।